सो गाइज कैसे हो। तो आज हम आपके लिए फिर से लेके आ चुके हैं ब्लड मल्टीपल फोटो एडिटिंग, क्योंकि इससे पहले भी मैंने वीडियोस अपलोड की थी जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे ही कमेंट किए थे। जी भाई, बहुत सारे ही कमेंट किए थे कि भाई इस फोटो एडिटिंग का फिर से एक वीडियो लाओ जिसमें मुझे अपने फोटो पर इस टाइप की ब्लड एडिटिंग। आप देख सकते हो गाइज मेरी नॉर्मल फोटो किस टाइप की है, देख सकते हो ये रही हमारी नॉर्मल फोटो और ये रही हमारी DSLR की फोटो, ठीक है। तो गाइज इसमें आपको फोटो एडिटिंग करने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, बहुत ही सिंपल फोटो एडिटिंग है। आप यदि सीखना चाहोगे तो बहुत जल्दी सीख जाओगे, क्योंकि आप लोग देखते होंगे ना इससे पहले भी फोटो एडिटिंग। ऐसा नहीं है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, ठीक है। तो मुझे पता है गाइज कि आप लोगों को ये सब फोटो एडिटिंग करने बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो गाइज मैं आपको इतना सिंपल मेथड बताऊंगा ना गाइज, इतना सिंपल मेथड कि आप यदि इस वीडियो को देख लोगे तो आप इस फोटो एडिटिंग की तरह 1000 फोटो एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा दोस्तों, क्योंकि इस फोटो एडिटिंग में जितने भी चेंज किया गया ना उसके सारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और गाइज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आप ये वीडियो देखते हो और गाइज आपको प्रॉब्लम आता है, और बहुत से लोग के ऐसे भी कमेंट्स आए हैं कि गाइज मैं ये वीडियो देखता हूँ पर मुझे समझ नहीं आता और मैं नहीं समझता हूँ, तो गाइज उसके लिए मुझे एक ही आइडिया जाता है, क्योंकि वो यही गलती करते हैं। और एक गलती जो है गाइज आप भी करते होंगे और बहुत से लोग कहते हैं, जैसे कि मैंने एक स्टेप बताया जैसे फेस को कैसे वाइट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि थोड़ा स्किप कर देंगे कि ये चीज़ तो मुझे आता ही गाइज, मैं सीख के क्या करूँ। तो गाइज मैं आपको इसमें पूरा ही नया ट्रिक बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि गाइज इस टाइप की फोटो एडिटिंग हम किस टाइप से करते हैं, ठीक है। देख सकते हो आप इतना HD क्वालिटी में, फुल HD क्वालिटी में करके दिखाऊंगा। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, इसमें हमारे बहुत सारी ऐप्स के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और गाइज इससे पहले भी मैंने ये वीडियोज अपलोड की थी ब्लड मल्टीपल फोटो एडिटिंग, ठीक है, कि अपने फेस पर कैसे ब्लड लगाए, क्योंकि इसमें जितने भी आप चीज़ देख रहे हो ना गाइस सब रियल नहीं है, सब फेक, मतलब जो लगाया गया ना सब फेक है, ये रियल का ब्लड नहीं है। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको शुरू से लेके हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप यदि हमारे शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो नहीं देखते हो तो गाइस आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी और आप बाद में कमेंट करोगे, ठीक है। अब जरा से भी स्किप ना करना और देखते रहो, क्योंकि भाई मुझे मेरा काम है सिखाना। इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की आप वीडियोस देखते हो, वो आपको बताता है कि ऐसे वैसे करना है और आप नहीं सीख पाते हो। तो गाइस इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और इतना HD क्वालिटी में करके दिखाएंगे ना गाइस कि आप कितना भी जूम करो आपकी फोटो फटेगी नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो हमारी सिंपली ये है नॉर्मल फोटो, ठीक है। तो गाइज आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और इसमें जितने भी PNG वगैरह जितना भी ऐड किया गया ना गाइज तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये रही हमारी नॉर्मल फोटो, इसको फर्स्ट ऑल हम क्या करते हैं गाइज, आपको देखना है कि फर्स्ट ऑल हम कौन से ऐप में ले जाते हैं और क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑल हम क्या करते हैं, इसको लाइट रूम में सेव कर दें, ठीक है, और लाइट रूम हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइज आपको सेम प्रोसेस दोहराना है और वीडियो को भाई यदि अच्छा लगे तो आप तो लाइक कर ही दोगे, मुझे पता है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब मुझे मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है। आप सीख जाओगे ना गाइज, मुझे बहुत खुशी होती है यदि आप मेरे फोटो एडिटिंग से आप सीख जाओ, ठीक है। तो वो क्या करना है, देखो यहाँ से फर्स्ट ऑल हम स्टार्ट करेंगे, आपको एक एक पॉइंट पर ध्यान देखना है। हम इसमें जाएंगे लाइट वाले पे, ठीक है। लाइट वाले पर जाने के बाद थोड़ा सा इसका हाईलाइट कम कर देंगे, ठीक है गाइज, और शैडो इंक्रीज़ कर देंगे थोड़ा सा, फिर वही वाइट थोड़ा कर देंगे, थोड़ा इसको भी वाइट कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम कलर वाले में जाएंगे और इसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद मिक्स वाले आइकन में जाएंगे और ये जो सेकेंड वाला कलर है ना गाइज, इसका हम क्या करेंगे, सेचुरेशन थोड़ा कम करेंगे और नीचे वाला लुमिनेज को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम जाएंगे ग्रीन वाले कलर पे और इसके हुई को पीछे की साइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद येलो वाले टिप को जाएंगे, इसके हुई को भी पीछे की साइड करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे डाउन कर देंगे, ठीक है। इतना पे हमारे फोटो गाइज बन के आ चुका है और ज़्यादा कलर को हमको टच वच नहीं करना है, ठीक है। इतना कर दिए, ठीक है। और इसमें हम बताएंगे आपको लिप का कलर कैसे चेंज करना, ठीक है। अब जो देखते होगे पहले सारे फोटो में बहुत सारे लिप्स के कलर होते हैं, इसके लिए सेलेक्टिव टूल का यूज़ करेंगे, प्लस वाला आइकन पर जाएंगे, ब्रश यूज़ करेंगे और ये सेकेंड वाला ब्रश यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम करने के बाद हम जाएंगे इस पर और थोड़ा सा इसका कलर ऐसे करके चेंज कर देंगे, ठीक है। कलर वाला आइकन में जाएंगे और गाइज इसको थोड़ा सा ऐसे पिंक कर देंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे, टेम्प को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, बस इतना करके हम छोड़ देंगे, डन पे क्लिक करते हैं गाइज। अब देख सकते हो बिफोर और आफ्टर अभी कैसा लग रहा दिखने में, धासु लग रहा है ना गाइज। तो उसके बाद क्या करेंगे, हमारा सेकेंड जो स्टेप आएगा इसको हम सेंड करेंगे अपने ऑटोडेस्क में, ठीक है। तो गाइज वीडियो को आप देखते रहना भाई, एक एक स्टेप आपको पूरा ध्यान से बताऊँगा, क्योंकि भाई मैं मेरा जितना वीडियो होता है आपको सिखाने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना लॉक डाल लेते हैं, ऑटोडेस्क में ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और ऑटोडेस्क जितने भी आदमी को नहीं चलाने आता है गाइज, मैं आपको एक ही स्टेप बताऊंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो क्या से क्या करते हैं और कहाँ से क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे ब्रश में, ऊपर के आइकन पर जाएंगे, ये वाला ब्रश सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका सेटिंग आप देख सकते हो, 1 और 5 रख सकते हो, साइज अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं गाइज, इसको हम यहाँ से पेंट करते हैं, ठीक है।
इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह ज़्यादा है। और गैज यहीं पे बहुत लोग गलती करते हैं, ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है क्योंकि गैज ये जो हमारा पेंट होता है ना ऑयल पेंट, तो यही हमारे फोटो की खासियत होती है। आप जाके देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर भाई, क्योंकि मैं जो पेंट करता हूँ वो भाई काफ़ी अजीब बहुत ही औसम लगता है दिखने, ठीक है। और बहुत से लोग के आप देखते होंगे वीडियोस तो स्किप करके दिखाते गए, मैं स्किप करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा गाइस, ठीक है। मेरा मोटिव यही रहता है कि आप सीखो बस और कुछ नहीं, इसलिए गाइस आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है, और तभी जाके आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे ब्रश चलाता हूँ, ठीक है। थोड़ा लिप पे कर देंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करेंगे गाइस, क्योंकि थोड़ा सा क्योंकि इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा और मैंने चाहता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो है उनको टाइम लगे। तो गैज तब तक हम इसको कर रहे हैं, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करोगे ना गैज तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अगले वीडियो चलाता हूँ। और लाइक नहीं करोगे गैज तो समझ सकते हो गैज इतना मेहनत करने के बाद भी आप एक लाइक नहीं कर सकते हो, ठीक है। और मुझे जहाँ तक पता है गैज आप लाइक कर ही दोगे, ठीक है, क्योंकि इतने प्यार से और जो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं गैज अपनी फ़ोटो को, हमारे फोटो में ऑयल पेंट हो चुके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसको सेव टू डिवाइस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस स्टेप थ्री जो हमारा आता है उसको गौर से देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग को प्रॉब्लम आता है। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा, तो गाइस हम यहाँ से अपनी फ़ोटो को स्नैपसीड में शेयर करते हैं, ठीक है। स्नैपसीड में अपनी फ़ोटो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ से अपनी फ़ोटो को स्नैपसीड में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। आप डाउनलोड कर लेना स्नैपसीड मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो गाइस हम आ चुके अपने स्नैपसीड में, तो गाइस यहाँ से आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे जाते टूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, और सेलेक्टिव टूल को चूज करेंगे और इसको फेस पे ऐसे करके सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको साइज छोटा करेंगे और ब्राइटनेस थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, इससे हमारी फेस ग्लो करने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर से चलेंगे सेलेक्टिव टूल में और यहाँ से हम अपनी गर्दन को भी थोड़ा वाइट कर ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे होता है डबल एक्सपोजर, ठीक है, इसमें चलेंगे, यहाँ से ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाले इमेज पे चलेंगे और हम अपने यहाँ से गैलरी से जो फ़ोटो आपको मैंने बोला है डाउनलोड कर लो उसको ले लेना, ठीक है गाइज। तो यहाँ से हम चलते हैं अपनी फोटो गैलरी में, तो गैलरी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं गाइज। और यहाँ से जो आपको देखना है गाइज एकदम ध्यान से देखना, क्योंकि ध्यान से नहीं देखोगे तो ये रही हमारी ब्लड की फ़ोटो, इसको ऐड करते हैं। इसके साइज को छोटा करेंगे गाइज, ठीक है। साइज को छोटा करने के बाद हम चलते हैं इस पर डार्किंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको फिट करेंगे, इसके बाद डन करेंगे गाइज। तो आपको सोच रहे हो कि आप लोग की ये किस टाइप का फोटो हो गया, ठीक है। उसकी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमको क्या प्रोसेस करना है, कैसे करना है। तो हम चलेंगे यहाँ पे ऊपर वाले शेयर के बगल में एक होगा रिमूव का ऑप्शन, व्यू डिटेल्स में चलेंगे, डबल एक्सपोजर में, फिर ब्रश में चलेंगे, ठीक है। और ब्रश में जाके गाइज यहाँ पे हम सिंपली ऐसे करके पेंट कर देंगे, ठीक है, माइनस करके आइस पर से हम हटा देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे वो आ चुका है, फिर डन कर देंगे, देखो गाइज हो चुका है। वैसे ही आपको सेम प्रोसेस में दोबारा बताता हूँ, ठीक है, तो आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर से टूल्स पे चलेंगे, डबल एक्सपोजर में जाएंगे, प्लस वाले फ़ोटो पे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद पिक्चर में जाके फिर से अपनी गैलरी में, गैलरी में जाने के बाद फिर से डाउनलोड वाले फाइल्स में जो कि मैंने बोला है, और इसको फिर से ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसके साइज़ को छोटा करके हाथ पे देंगे, फिर चलेंगे गाइज डार्किंग कर देंगे, फिर डन करेंगे। डन पे करने के बाद फिर से इरेज वाले ऑप्शन में चलेंगे, फिर चलेंगे डबल एक्सपोजर में, इरेज वाले में, और फिर इसको 100 करके हाथ पे ऐसे करके हम कर देंगे। देखो जैसे लग रहा है ना रियल ब्लड है, सॉरी, माइनस करके हम इसको यहाँ से रियल स्टिक बना देंगे। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो कितनी अच्छी सी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे गाइस, हम थोड़ा सा अपने लिप को और रेड करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन में, ब्रश वाले ऑप्शन में चलेंगे, तीसरे चौथे नंबर पर जो ब्रश होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा और कर देंगे। अब देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर दिखने में काफ़ी ऑसम लग रहा है ना गाइज। तो इसी तरह से हम आपको फोटो एडिटिंग का एक एक स्टेप सिखाएंगे यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे। तो इसीलिए चल भाई सब के जो भी हो, आप भाई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो और गाइज आपका प्यारा सपोर्ट बना ही रहता है मेरे चैनल पर, तो फटाफट चैनल को लाइक कर दो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट फोटो एडिटिंग में।